देखो ये सो रहे हैं मेरे हाथ में, ऐसे बढ़िया नींद आ रही है। उड़ा दिया ज्योति के लिए बढ़िया वाला। नहीं भले यक फेंक देना आदि पर। बोल रहा था मैं बहुत दिनों के बाद आज मिल ही गया ये फाइनल। तो दोस्तों सुबह के 8:30 बज रहे हैं और गांव का नज़ारा कुछ ऐसा है भाई, आज सुबह सुबह का मस्त वाली हरियाली सी छा रखी है और मस्त चिड़ियों की चहचहाट है। बाकी मौसम की बात करें दोस्तों तो ऐसा कुछ है भाई आज का मौसम, देखिए आसमान में भाई मैक्सिमम जगह आपको बादल ही बादल दिखेंगे और कहीं कहीं से मौसम थोड़ा सा साफ साफ है। ऐसे हैं गाँव के प्यारे नज़ारे अभी सुबह सुबह के टाइम पर, मस्त चिड़ियों की चहचहाट है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, एक नए दिन के साथ एक नई वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले तो आप सभी को इस पहाड़ी वाला का प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में, देवभूमि उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से। और देखिए जी आजकल हसीन वादियों में कुछ ऐसे नज़ारे हैं, हर जगह आपको ग्रीनरी दिखेगी। बाकी मौसम की बात करें दगड़ियों तो आज का मौसम कुछ ऐसा है भाई, फुली पैक्ड है मौसम पूरा। दोस्तों अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और अभी मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। चलिए लेके माता रानी का नाम करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। जय माता दी। दोस्तों कल बहुत सारे दोस्तों से मेरा मीटअप हुआ और उनमें से बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो भाई कैमरा साई थे, तो इसलिए मैंने उन्हें कैमरे पे नहीं लाया। बहुत सारे पुराने दोस्त कल मुझे मिले और रात भर हमने खूब मजे करे और एक साथ रहे, एक साथ सोए। और अभी मैं आ रहा हूँ वहाँ से और अभी मैं घर से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। बाकी अभी भाई नाश्ता वगैरह भी नहीं हुआ, नहाना धोना भी नहीं हुआ। ये देखो ये गोल्डना फुली फैशन में मारती हुई झाड़ू पोछा वगैरह तैयार होके हैं। जब तक वाली तैयार नहीं हुई तब तक झाड़ू पोछा भी नहीं मारती। मैं बहादुर हूँ ऐसे बोलना, बिना पैसे की बात हो रहे। आए नाश्ता हो गया है और अभी सुबह के बज गए हैं 10:30 और आज हमारे घर पे चल रही है जी एक मीटिंग, भेटियारा समिति द्वारा भाई ये चलाई जा रही है मीटिंग। तो इस योजना का नाम है जी एक मुफ्त समाधान योजना। तो इसमें क्या होगा जी? अच्छा मृतक बकायेदार, उनका ब्याज सारा माफ हो रहा है, मूलधन जमा। अच्छा, और केवल जो है मूल जमा करना पड़ेगा 30 सितंबर तक जो है। ये इस योजना का मकसद यही है कि जो मृतक हैं और उन्होंने लोन अगर लिया है इस समिति से, लोन का जो ब्याज है वो माफ हो जाएगा, केवल उन्हें मूलधन देना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छी स्कीम यहाँ पर चल रही है, तो सारे लोग भाई इसका फायदा उठा सकते हैं। अभी 11 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक ये योजना चालू है। बहुत सारे बकायेदारों की यहाँ पर इन्होंने लिस्ट भी लाएंगे, वो लिस्ट मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। ये देखो जय बंक मार के आ गया स्कूल से, फोन के लिए आया। दगड़ियों बाजार के कुछ काम निपटाने हैं मुझे, तो उसी के लिए अभी जा रहा हूँ। और ये देखो कद्दू आ गई। तो ये कद्दू वापस क्यों आई? ये देखो टकरा गए भाई इनके। चलो भाई फाइनली बल हमारी रोड की सफाई हो रही है आज, तो ये साफ कर रहे हैं। बड़ी दिक्कत हो रही थी भाई इससे ना, तो फाइनली PWD वालों ने संज्ञान लिया। धन्यवाद साहब, नमस्कार जी। ठीक है ना? हाँ 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 बिल्कुल साफ कर दो, यहाँ से दिक्कत हो रही है ना। हाँ इतना थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सफाई होनी जरूरी है। यहाँ पे गाड़ियों का बहुत जाम लग रहा है ना। JCB महाराज आज फाइनली इस काम को भी निपटा रहे हैं। तो अभी मैं आ रखा हूँ अपने गांव की तहसील में जो मेरे पीछे है। ये देखो भाई ये है हमारा गांव पूरा, ये और हमारा घर भी दिख रहा भाई यहाँ से, ये देखिए। तो चलिए जी मेरा तहसील का काम निपट गया है और अभी मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर। और इसको खोज रहा था मैं बहुत दिनों के बाद, आज मिल ही गया ये फाइनली। होटल खोल रखा वाला वे कहाँ पे? नेताला में। तो भाई जो भी जाएगा गंगोत्री यमुनोत्री कहीं भी तो भाई से संपर्क करे, क्यों जी? तो बाकी भाई साहब अभी पिला रहे हैं हमको चाय। खा भाई कैमरे पे क्या देख रहा है? तो भाई साहब ने भाई यहाँ पर हमारे लिए चाय मंगा दी, तो धन्यवाद जी अनिल जी। धन्यवाद सर। खाण पीण नहीं थी आज बार इंडिया रहे हैं, यक चाय समोसा खाण नहीं दीपक भाई हैं। बधाई भाई अनिल भाई को होटल की। अरे भाई करोड़पति बन गया, कम जम मत समझो भाई को। चलिए जी शाम के 4:30 बज गए हैं घर पे ना, आज ज्योति आ गई, ज्योति भुली आ गई अभी अभी उत्तरकाशी से, और केले खिला रहे बोल दादी को है जबरदस्ती। जबरदस्ती खिलवानी बोल दादी को। और साहब आने में दिक्कत तो नहीं है? दादी भला होना क्या? हाँ
गाय जो मीठा मीठा है। तो चलो वही अच्छा लगता है जब बहनें घर पे आती है। बढ़िया, अभी हम खेतों में जाएंगे हैं जी। और अभी मैं अपने भाई को स्पेशल मिलने आई, मुझे चला पता भाई, मतलब सरप्राइज देने आई मैं। बिल्कुल बिल्कुल, सरप्राइज क्या, ये केला देने आई भाई उत्तरकाशी से। हैं ये भरत मिलाप, भरत मिलाप की बहना मिलाप बड़ों को। अरे भली होनी चा हवा दी होनी नी भली नी भली, यक फेंक देना आरी पर। जबरदस्त जबरदस्त न पिए, कोई दिक्कत नहीं। भालू दिखाना वो चश्मा एक्सचेंज हो गए। दादी ने ज्योति की पहन ले और ज्योति ले दादी ले दादी चश्मा भी देने तो एक दादी भी बुलाई सीधी दादी बनी चश्मा पहड़ के। ठीक दिख रहा है एकदम मस्त झकास है। अरे चाची ने ना गिफ्ट ला दिया ज्योति के लिए, बढ़िया वाला सुंदर सा गिफ्ट है। और ये तो रूपाली का दोस्त दे दिया गिफ्ट में। अरे रूपाली क्या होगा तेरा। कोई भैया ने मेरा छोटा सा खरगोश पकड़ा हुआ है, ये देखो ये सो रहा है मेरे हाथ में, ऐसे बढ़िया नींद आ रही है। उठ जा भाई, खड़ा उठ जा, हाथ मार दे। तो चलिए जी अभी हम खेतों की तरफ जा रहे हैं चाय वाय पी के। और इधर को देखो भाई, बहुत सारी हरियाली हरियाली है भाई आजकल खेतों में। ज्योति ने साथ में गागर भी करी हुई है, तो थोड़ा सा हम खेतों में घूम के आएंगे और उसके बाद धारे में जाएंगे। बॉडी प्रणाम, बॉडी बोल रखी, मैंने तो भेजी ब्लॉग में देखे। तो ये देखो भाई मंडुआ भी पकने लग गया है धीरे धीरे करके, और मंडुए की फसल देखो कितनी बढ़िया हो रखी है। ये है भाई मंडुआ, इस वाले खेत में भी अच्छा है, और नीचे वाले खेत में देखें तो नीचे वाले खेत में भी बढ़िया है। यहाँ पर ताऊ जी लोगों ने कीवी लगा रखा है, तो बहुत सारी कीवी इस बार भी लगी हुई है हर बार की तरह। तो ये देखो भाई अच्छी हो रही है ना कीवी। ये देखो भाई साहब, भाई साहब ये है भाई साहब मेहनत। एक दूसरे वाले खेत में भाई जी लोग भी कीवी की फसल लगा रहे हैं। तो इधर की तरफ देखो धान भी पक गया है लगभग लगभग, अभी दो चार दिन में ही धान भी पक के तैयार हो जाएगा। और नीचे की तरफ देखो भाई धान बढ़िया से पक रखा है और पीला हो जाएगा और उसके बाद नीला हो जाएगा। तो गांव में भाई बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, धान की खेती भी हो रही है, कीवी की खेती भी हो रही है, इधर देखो सेब की भी खेती हो रही है। तो इस बार देखो सेब के पेड़ भाई कितने बड़े बड़े हो गए, ये एक एक्सपेरिमेंट ही है, क्योंकि आज से पहले भाई किसी ने भी हमारे गांव में ना सेब की खेती नहीं करी। और धीरे धीरे भाई खेतों में फसल पक रही है। और इधर देखो हवा से ना ये सारी फसल ढह गई है यहाँ पर नीचे, पर बड़ी मिल गई, तो थोड़ा सेवा पानी हम भी करना। इधर को भाई धान की ना खुशबू बहुत अच्छी आ रही, ज्योति तेरे को भी लग रही है धान की खुशबू महसूस हो रही है, थोड़ी देर बैठ जाना था। बहुत अच्छी खुशबू चल रही है इधर को धान की, मोछों पे ताव देते हुए हैं। गजब आया फोटो, अरे गजब फोटो आ गया, गजब फोटो आ गया। घुमाई भी हो गई है और अब जाना है हमने धारे पानी लेने के लिए। उस हमारे दर्शन भी करेंगे और कोई लोग है, सही बात है। तो भाभी जी की भी दर्शन कर लो भाई, मैं तो डर डर के खींच रहा था भाभी फोटो, कहीं पता लग रहा, भाभी बोल रही कौन है ये कैमरामैन, भगाओ इसको। है क्यों बोलिया मैं इसे। हाँ तो जो संतो है जी इन्हीं के बेटे हैं, संतोष भगवना जी बहुत छा रखे आजकल यूट्यूब पे। हाँ हाँ फौजी बन गए भाई। हाँ तो बहुत बहुत बधाई आपको भी है। हाँ जी हाँ जी। तो ज्योति बोल रही भाई हाथ पे नमक नमक रखना ही चाहिए जब भी हम खेत में जाते हैं। भाभी जी ने हमें चलते चलते ककड़ी भी पकड़ा दी। कैसी लग रही ककड़ी, एकदम शानदार जबरदस्त। फाइनली हम धारे पे पहुंच गए हैं। ये है भाई हमारे गांव का खूबसूरत धारा, और यहां पर भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। धारे से हम ठंडा पानी लेके हम आ गए हैं। यहाँ पर वही खाना पीना बनने की तैयारी चल रही। दादी भी कुछ बोल रही, क्या दादी मैंने
आंख होवे के पट है अंधियार तो सब के आंख होंदा पट उजावे पर होवे के पट माँ जी बोले आज बोल रौनक आ रही बाहर पे इसलिए हम चौक पे कर रहे खाना बनाने की तैयारी हाँ वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और बहुत अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड। अरे वाह गजब।